हे सिस्टर हे प्रभु भक्ति तत्व के बदले ही ठीक है अभिषेक बेटा इधर हो जाना तू ठीक है नहीं दिख नहीं रहा ना मुझे कि क्या होना है दिखेगा नहीं ना खड़े रहेंगे ना तो मुझे दिखेगा नहीं गड़बड़ मत करो नहीं करेंगे गड़बड़ करती है नहीं करेंगे आपको और ये गड़बड़ करेगी तो डिस्टर्ब करेगी या यस already सबको जय येसु सारियानो जय येसु मसीदी उपयाजक अनिशांत बोलिया सिंह की जीवन यात्रा यही दिवस है प्रभु ने बनाया अपने सुंदर आतों से प्रसन्न मन से खुशी मनाए नाचे गाए तन मन से आज इस पावन समारोह में उपस्थित सभी को शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत की ओर से हार्दिक स्वागत है। हमारे लिए प्रभु से मिला एक महान तोहफा है। उपयाजक
अनिशांत बलिया सिंह जिनके पावन पुरोहिताई अभिषेक में नतमस्तक होकर अपने अपने जगह पर ऑनलाइन में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ आज माँ कलसिया संत योगन मरिया व्यानी का पर्व मना रही है, जो सभी पुरोहितों का संरक्षक संत है। आइए हम सब मिलकर उपयाजक अनिशांत को प्रभु के चरण में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि वह भी संत योगन मरिया व्यानी के समान प्रभु के कार्य में आगे बढ़ें। उपयाजक अनिशांत का जन्म 17 जनवरी 1992 ओडिशा के कंधमाल जिले के बुड़सला गांव में हुआ था, जो कटक भुवनेश्वर महाधर्म प्रांत के संत सेबास्टियन सारामुली पल्ली में हैं। उनका पिता का नाम श्री बेंजामिन बलिया सिंह और माता का नाम श्रीमती क्रिस्टिना बलिया सिंह। उपयाजक अनिशांत के 2 भाई और 4 बहनें हैं। उनमें से 2 बहनें ईश्वर की सेवा में समर्पित हैं। अभी हमारे बीच में सिस्टर ज्योति बलिया सिंह बेतनी समाज के उपस्थित हैं। उपयाजक अनिशांत की प्राथमिक शिक्षा ओलीगुंडा के मिशन स्कूल के हॉस्टल में रहकर हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा भी मिशन स्कूल गोदपुरा से की। उन्होंने अगस्त 2007 में माइनर सेमिनरी कौली पंजाब में प्रवेश किया। उसके बाद 2011 में क्रिस्त ज्योति गुरुकुल कौली में 1 साल आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। वे अपना दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र की शिक्षा होली ट्रिनिटी रीजनल मेजर सेमिनरी चौगटी जलंधर में प्राप्त की। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उपयाजक अनिशांत के लिए, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु की सेवा में अर्पित किया है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उपयाजक अनिशांत को सभी आशीष प्रदान करें, ताकि वह ईश्वर के राज्य की घोषणा उत्साहपूर्ण कर सकें। आइए प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों, अभी ओडिशा में कंधमाल में जगह नवे बने और फादर डीकन अनिशांत के गांव के लोगों को ओरिया में कमेंट्री देते हुए सिस्टर ज्योति किरण। आदरणीय उपजाजक अनिशांत प्रिय माता पिता एवं परिवार समस्त को बिशप स्वामीजी एवं आम डायसिस तरफ आपण को स्वागत करोछु। आज यही पवित्र दिन रे आपणकर पुत्र अनिशांत एक पवित्र याजक रूपे अभिषेक पाइबा पई जाउछंती। आज तांको पई खुशीर दिन अटे। आंभे माने विशेष करी तांको पई प्रार्थना करीबा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब खड़े होकर प्रवेश गान में शामिल हो जाएं। मिला मुझे जीवन मिला प्यारे का ओ प्रभु।
बातों में पावन किया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको प्रिय अनिशांत और जो बहन और सिस्टर जन आपके साथ आज के दिन उपस्थित हैं, और प्रिय भाई बहनों, सिस्टर जन और फादर जन, और हमारे विकर जनरल फादर डोमिनिक, आज कलीसिया संत जॉन मेरी वियानी का पर्व मना रही है, और बहुत से भाई बहन इस संत को पहचानते हैं, जानते हैं। इस बड़े संत जॉन मेरी वियानी ने कैसे आर्स एक पैरिश था लियोन्स फ्रांस में, उसने उस परिवार और उस पैरिश को और परिवारों को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, उनको प्रभु के पास वापस लाए। आज उनका पर्व है, और इतने सुंदर दिन पर हमारे डीकन अनिशांत पुरोहित की ओर आ गए। थोड़ी समय में वे पुरोहित अभिषिक्त किए जाएंगे, और वे इस वेदी के पास आएंगे और मिस्सा बलिदान भी चढ़ाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं उनके माँ बाप और सभी भाई बहन जो इस संस्कार, पुरोहित अभिषेक संस्कार, इसको आप देख रहे हैं अपने अपने जगहों में, खासकर अपने प्रिय भाई बहनों और परिवार जो खंडमाल में, उड़ीसा में। आज ये दिन आपका ही दिन है, और हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ के, सिर झुका के। प्रभु की आशीष और कृपा हमारे भाई अनिशांत पर आए। हम जानते हैं कि वेदी के पास, प्रभु यीशु के पास, उनकी पवित्रता
के सामने हम बहुत कम है, हम कमज़ोर हैं, उनके प्यार के सामने हम कहाँ है। इसलिए हम जानते हैं कि हमें प्रभु के पास आना है, उनके प्यार में आना है और अपने कमियों और पापों के लिए क्षमा मांगना है। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें, हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पुरोहितों की सेवा द्वारा
अपनी प्रजा को संभालता है। जिन उपयाजक को तू आज पुरोहिताई की परिचर्या के लिए चुन लेगा, इन्हीं तेरी सेवा में विश्वस्त रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर, जिससे ये अपने प्रेमपूर्ण आचरण द्वारा प्रभु कृष्ण में तेरा स्तुतिगान निरंतर करते रहे। ये वर दे उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। शब्द समारोह। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से तेज हैं। आइए इस जीवंत ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बड़ी भक्ति भाव से ध्यान से सुने। पाठ पहला, नबी जर्मियां दा ग्रंथ। उसका एक बाप 4-9 ऐ तक। प्रभु ने मैनू कहा, तेरी माँ दी कुख विच कलन तो पहला ही मैं तेनू चुन लिया सी, आते तेरे जन्म लैन तो पहला ही मैं तेनू कौमा लई नबी नियुक्त कीता सी। मैं उत्तर दिता, प्रभु परमेश्वर, मैं ता अजे बालक ही हाँ, अते इस लई मैं बोलना भी नहीं जानता हाँ। पर प्रभु ने मैनू कहा, तू इस तरह ना कहे कि तू अजे छोटी उम्र दा है, सगो तू उना लोका कोल जा जिन्ना कोल मैं तेनू कल रहा हाँ, अते तू उना नू ओ सब दस जिस दी मैं तेनू आज्ञा दे रहा हाँ। तू किसे तरह का डर ना रख, क्योंकि मैं तेरे नाल होवांगा अते तेरी रक्षा करांगा, ए मैं प्रभु ने कहा है। तद प्रभु ने अपना हाथ अग्गे वधा के मेरे बुल्ला नू छुया अते कहा, मैं तेरे मुँह विच अपने वचन पा रहा हाँ जो तू बोलेगा। ए प्रभु दी पाक बाणी है, खुदा दा शुक्र होवे। बुलावा प्रभु मुझे मिला तेरे प्यार का, तेरे संग चलता रहूं प्रभु, तेरा साथ मेरा सहारा प्रभु। बुलावा प्रभु मुझे मिला तेरे प्यार का, तेरे संग चलता रहूं प्रभु, तेरा साथ मेरा सहारा प्रभु। बुलावा प्रभु मुझे मिला तेरे प्यार का, के घर में आने से पहले तूने मुझको चुन लिया, प्यार से मुझको अपनाया, सेवा कार्य सौंप दिया।
अभिषेक किया, पावन किया, दिल से मुझको अपनाया। अभिषेक किया, पावन किया, दिल से मुझको अपनाया। बुलावा प्रभु मुझे मिला तेरे प्यार का। तेरी नजर में मैं मूल्यवान, हर एक सृष्टि में महान। वाणी को मेरी तलवार बनाया, हाथों में तेरे छिपा दिया। अभिषेक किया, पावन किया, दिल से मुझको अपनाया। अभिषेक किया, पावन किया, दिल से मुझको अपनाया। बुलावा प्रभु मुझे मिला तेरे प्यार का। तेरे संग चलता कहूँ प्रभु, तेरा साथ मेरा सहारा प्रभु। बुलावा प्रभु मुझे मिला तेरे प्यार का। द्वितीय पठन रोमियो मंडली प्रति साधु पाउलंकर पत्ररु पाठ अध्याय 12 पद संख्या 4-8। आम प्रत्येकंकर जेपरि गोटिए शरीर ओ अनेक अंग प्रत्यंग अछि एवं सेहि अंग प्रत्यंग गुडीकर कार्य समान नुहे, सेहिपरि आमे अनेक हेले मध्य ख्रीष्टंक ठारे आमे समस्ते एक शरीर अटु एवं प्रत्येक जन विभिन्न अंग स्वरूपे अन्य समस्तंक सहित संयुक्त अटु। आमको दिया जाइथिबा अनुग्रह अनुसारे आमे विभिन्न दान पाइछु, तेणु आसंतु से गुड़िकर विनियोग करिबा। केही जदि भाववाणी कहिबा दान पाइछि, से निजर विश्वास अनुपातरे ताहा विनियोग करु। जदि सेहि दानटी सेवा कार्य होइथाय, तेबे से सेवा कार्यरे मन देउ। जदि ताहा शिक्षा दान होइथाय, तेबे से शिक्षा दान करिबारे व्यवहार करु। जदि ताहा उत्साह प्रदानर दान होइथाय, तेबे से उत्साह देबारे विनियोग करु। जदि ताहा अन्यमानंकु उत्साह देवारे दान देवारे ये करिथाए, तेबे से उदार चितरे वितरण करू। यहाँ प्रभुंकर वाक्य। ईश्वर को धन्यवाद। चंद्र
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बने रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही है जिससे तुम मेरे आनंद के सहभागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम है। यदि तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। आपसे मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वो सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें वो ही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। बैठ जाएं। पुरोहित अभिषेक की धर्म विधि। अब पुरोहित अभिषेक की धर्म विधि प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार उपयाजक अनिशांत बलिया सिंह को उनका नाम लेकर पुकारा जाएगा, जिसके प्रत्युत्तर में उनका जवाब होगा, प्रस्तुत हूँ, जिसका अर्थ है मैं तैयार हूं। अभी हमारे धर्म प्रांत की माननीय फादर डोमिनिक बोस्को विकर जनरल के द्वारा उम्मीदवार का बुलावा। रोहित अभिषेक उम्मीदवार आगे बढ़े। उपयाजक अनिशांत बोलिया सिंह प्रस्तुत हूं। उम्मीदवार की प्रस्तुति।
उपयाजक परिवारगण, अब उपयाजक अनिशांत को धीरे धीरे वेदी के नज़दीक ले आएंगे और उसे अभिषेक होने के लिए सौंप देंगे। माननीय फादर डोमिनिक बोस्को विकर जनरल, अति मान्यवर धर्माध्यक्ष से उपयाजक अनिशांत को पुरोहिताभिषेक प्रदान करने का अनुरोध करेंगे। उसके बाद अति मान्यवर धर्माध्यक्ष जांच एवं पूछताछ करेंगे कि उपयाजक अनिशांत वास्तव में पुरोहित बनने के योग्य हैं। महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाई को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? ख्रीस्त जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। धर्माध्यक्ष द्वारा चुनाव और लोगों का समर्थन। अभी अति मान्यवर धर्माध्यक्ष उपयाजक अनिशांत को पुरोहिताभिषेक के लिए चयन करेंगे और हम सबका उत्तर होगा ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहित के लिए चुनता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद। अभी अति मान्यवर धर्माध्यक्ष हम सबों को और उपयाजक अनिशांत को पुरोहिताई के संबंध में संबोधित करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों और वो समुदाय जो खंडमाल में इस समय आत्मिक रूप से हमारे साथ हैं और हमारे धर्म प्रांत में, हमारे गिरजाघरों में और हमारे परिवारों में और समुदायों में, आप जैसे जो खंडमाल में हैं वे भी, हम भी आपके साथ इसमें शामिल है। और हम जानते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा हम सबको पुरोहिताई का वरदान मिला है। हम सब पुरोहित हैं, आप और हम सब पुरोहित हैं। प्रभु ने हमें लिया है, हम प्रभु के एक ही शरीर में हम सब हैं। मगर प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले इन भाई बहनों से कोई प्रेरितों को चुन लिया, अपोस्टल्स को चुन लिया और उन्हें एक विशेष कार्य सौंप दिया। जैसे शरीर के अंग अलग अलग है, हर एक शरीर के अंग का अलग अलग कार्य है, इसी तरीके से इस पुरोहिताई में प्रभु ने किसी भाई को, इस भाई को चुन लिया कि वे पूर्ण रूप से, जैसे कहा गया है कि वे इनके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई के कार्य संपन्न करें। ये आप में से ही चुना गया, आपके बीच में से ही, आपके परिवारों में से, इनके परिवार में से वे चुने गए। जैसे हमने आज के पाठों में पढ़ा है, पहले पाठ में यिर्मयाह के ग्रंथ में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। ये यिर्मयाह माँ के गर्भ में प्रभु ने उसे पहचान लिया, माँ के गर्भ में। ये है प्रभु का महान रहस्य। आज अनिशांत आगे बढ़े क्योंकि प्रभु का हाथ है इन पर। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे
कि हमेशा प्रभु के हाथ और प्यार इन पर हमेशा रहे। हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमें ये तीन कार्य, जैसे शरीर के अलग अलग कार्य हैं, रंग है और अलग अलग अंग का अपने अपना कार्य है, हमारे भाई पुरोहित बनने से इनके तीन कार्य प्रभु ने दिया है, और वो है शिक्षक, वे शिक्षक हैं, शिक्षा देंगे, वे पुरोहित हैं और पुरोहित के कार्य करेंगे, और वे चरवाहे हैं और चरवाहे बनेंगे भाई बहनों और परिवारों और पैरिश में, मिशन में, कहीं पर भी हो चरवाहे का भी कार्य करेंगे। ये तीन कार्य हमारे भाई को दिया गया है, इसलिए आप लोग दुआ करो, प्रार्थना करो और बहुत सोच विचार करने के बाद हमारे इस भाई को पुरोहित अभिषेक दिलाने के लिए आज ये कार्य किए जा रहे हैं पूछताछ करके, और जिससे क्रिस्त का कार्य वे कर सके जो मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। तो अभी मैं आप सबसे बात किया हूं, आप लोगों के बीच में से हमारे भाई आए और कुछ शब्द मैं अपने भाई अनिशांत को मैं बोलना चाहता हूं। जैसे मैंने भाई बहनों से कहा है आपको शिक्षा देना है, जरूर आपने तैयारी किया, पढ़ाई किया, सेमिनरी में काफी साल पढ़ाई हुए हैं दिमाग में, मगर बहुत जरूरी है कि वे जो कुछ पढ़े हैं हृदय में पहुंचे, सिर्फ दिमाग में नहीं, हृदय में। हम जानते हैं जॉन मेरी वियानी सेमिनरी में पढ़ाई करने में उसको बहुत कठिनाई था, उम्र में भी ज्यादा थे वे, पढ़ाई करने में बहुत कठिनाई थी, लेकिन जो उसने पढ़ा वो उसके हृदय में पहुंचा, और इसलिए उसने कहा जब मैं सोता हूं मेरा दिल प्रभु से कहता है, जैसे दिल का धड़कन दिन रात चलता है, तो दिल का धड़कन प्रभु से कहते हैं मैं तुझे प्यार करता हूं। ये मैंने आपको बताया, आपने अपने स्क्रिप्चर स्टडीज, थियोलॉजी में, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट में प्रभु के प्यार के बारे में पढ़ा है, लेकिन वियानी, संत वियानी के हृदय में वो पहुंचा, इसलिए वो कहते हैं जब मैं सोता हूं भी, जब मैं सो रहा हूं भी मेरा दिल कहता है हे प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं। ये मैं मतलब प्रभु यीशु उनके लिए एक अनुभविक हृदय में एक अनुभव था। दैट शुड बी द ग्रेस दैट यू शुड सीक एवरी डे। इसलिए जब भी आप मिसा बलिदान करते हैं, कभी कभी लोगों के बीच में करोगे, कलीसिया में करोगे, समुदाय में करेंगे, चर्च में करेंगे, मिशन में करेंगे, कभी कभी लघु क्रिस्ती समुदाय में भी करेंगे, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे इन दिनों में कई महीनों से कई कई पुरोहित अपने आप अपने चर्च में मिस्सा कर रहे हैं, कोई नहीं है, चाहे कोई हो या ना हो, रोज हमें प्रभु यीशु को अपने हाथों, पवित्र हाथों में लेना है, ये मेरा शरीर ये मेरा रक्त, इसको रोज और बड़े भक्ति से बेटा, ये नहीं कि मैंने रोज मिस्सा किया, एक तरीके से एक रूटीन बन गया, नहीं 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 नहीं। संत जॉन मेरी वियानी, संत इग्नासियस और कई संत, पादरे पियो जब वे मिस्सा करते थे उनके हाथ और बगल और पायों से खून टपकता था जैसे प्रभु यीशु, मतलब ऐसा गहरा अनुभव हर मिस्सा में उनको मिला, और ये हमें ध्यान रखना है। रोज हम करते हैं, लेकिन कभी कभी जब आप अकेले दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मिस्सा बलिदान करते हैं, घुटना टेको, कोई कोई जो कोई नहीं देख रहा है, घुटना टेको, उस रोटी और कटोरे को चुनो और अपने दिल से उस रोटी और कटोरे पकड़ के
घुटने टेक कर जो भी बोलो प्रभु यीशु, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो प्यार हृदय से आना है। और वो रोटी आप हाथ में लोगे, उसे तोड़ोगे, धन्यवाद दोगे, भाई बहनों को बांटोगे। इसी तरीके से जब आप उस रोटी को लेते हो, प्रभु तुझे उस प्यार में तोड़ेगा और बांटेगा, आपका जीवन शिक्षक, पुरोहित और चरवाह होगा। बहुत बड़ा ये एक जिम्मेवारी दिया गया है। इसलिए प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर, और जब आप पुरोहित कम्युनिटी में हैं, एक दो, कभी कभी दो दो, तीन तीन, या एक कभी अकेले होते, कभी दो कभी तीन, मगर रोज समय निकालो, तीनों भाई बहन या दो दो भाई, दुआ करो, प्रार्थना करो। यदि कोई कॉन्वेंट है साथ में, नज़दीक में, सबके साथ, उनके साथ भी रोज एक टाइम टेबल बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। आज का माहौल बदल गया, आज का माहौल बदल गया, आप जानते हो कैसे माहौल बदल गया। इसलिए हमारा बुनियाद रेत पर नहीं बनना है, प्रभु यीशु जो चट्टान, जैसे पेत्रुस एक चट्टान बन गया, वो घबरा था, वो गिरता था, वो इनकार करता था, लेकिन जब प्रभु ने उसे चुन लिया, उसके बाद उसका जीवन बदल गया, प्रभु यीशु उसका चट्टान था। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई, दिल से, कि आपको अपने जीवन में पुरोहिताई का जो डिसिप्लिन है उसको निभाना है। उधर थोड़ा सा हम लोग इधर उधर भटक जाए और प्रभु से जुड़े नहीं, तो कोई और बातें आ जाते हैं हमारे जीवन में। हमारे सबके अनुभव हैं, हम लोगों के बीच में चुने गए। आप पुरोहित बनेंगे इसका मतलब नहीं कि आज आप संत बन गए, मैं बिशप हूं इसका मतलब नहीं कि मैं संत हूं, मैं आप जैसे भाई बहनों जैसे हूं, इंसान हूं, और इंसान में खूबियां हैं और कमियां भी हैं, अच्छाइयां हैं और हम पाप में भी गिर जाते हैं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। और ये हमें याद रखना है, इसलिए बहुम हमेशा हाथ जोड़ के, विनम्र दिल से, घुटने टेक कर, हमेशा और इस प्रभु यीशु से दुआ करना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि हम अयोग्य हैं। हम मिस्सा बलिदान में कहते हैं, हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर आए। इसलिए हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे भाई को देखो, थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, ऐसे ही मुश्किल आएंगे हमारे जीवन में, मगर वो ऑल्टर के पास भूल नहीं गया, पास में है। इसलिए प्रभु के पास हमेशा रहो, प्रभु के पास, क्योंकि कभी कभी ऐसा चैलेंजेस आ जाते हैं और कभी कभी हम ये इधर उधर भटक जाते, मगर नजर प्रभु पर होना है। तो हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसलिए ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर को धन्यवाद करो और विनती करो, हमेशा प्रभु से जुड़ा रहो। आज का संत जॉन मेरी वियानी बहुत साधारण पैरिश में गए, आर जो कोई नहीं जाना चाहता था। कभी कभी कोई पुरोहित कहते हैं, बिशप ने मुझे पनिशमेंट दिया, एक पनिशमेंट पोस्टिंग दिया, एक जगह में उस मुझे डाल दिया। आज जॉन मेरी वियानी ऐसे ही बिशप ने उसको डाल दिया, लेकिन घंटे पर घंटे उन्होंने प्रभु यीशु की आराधना किया। इतना कि नहीं, आप स्वीकार 11 घंटे से 15-16 घंटे रोज वे कन्फेशनल में बैठते थे, पाप स्वीकार सुनते थे, लोग आते थे, बड़े से छोटे, पढ़े और ना पढ़े, लाइन में आप उनके जीवन में आपने पढ़ा है। कैसे एक साधारण पुरोहित ने वो पैरिश आर्स को बदल दिया। और कहते हैं कि कुछ दिन जब उनके अंतिम सांस के समय आ रहा था, जब वे चल बसने वाले थे,
परमेश्वर के पास। पलंग पर भी उन्होंने कुछ दिन पहले लोगों के पाप स्वीकार सुना है, पाप और क्षमा उन्होंने दिया। ऐसा पुरोहित चरवाहा, चरवाहा अपने भेड़ों को नहीं छोड़ा, अपने भाई बहनों को नहीं छोड़ा। आज उनका पर्व है, तो इतना सुंदर दिन है, वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन होगा। आज से जॉन मेरी वियानी पेट्रन फॉर ऑल प्रीस्ट, अ पेट्रन फॉर ऑल प्रीस्ट। इसलिए चरवाहे का उदाहरण निरंतर आपके सामने रखो, और जो अपने सेवा करना और सेवा कराना नहीं, सेवा करना है आपको, और दूसरों के साथ एक साथ मिलके जुड़ के रहना है। मैं यही बोलना चाहता हूं, जितना प्यार आपको लोगों की सेवा में आपको मिलेगा, कहीं और नहीं आ सकता, कोई और नहीं दे सकता है। सच अ डीप सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द लव ऑफ द पीपल। और हमारे भाई बहन, हमारे समुदायों में मैं कई लोगों से मिलता हूँ, इतने साल पुरोहित हूँ, लोगों का प्यार महान, एक मेरे लिए ये एक चमत्कार है। लोगों का प्यार पुरोहित के लिए एक चमत्कार है, चाहे कुछ भी हो पुरोहित, मगर लोगों का प्यार है। कैसे वो लोग हमारी देख रेख करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, ये प्रभु लोगों का प्यार है, ये परमेश्वर ने दिया, ये एक चमत्कार है। कहीं पर भी जाओ, लेकिन आपका दिल लोगों के प्रति प्यार में होना है। इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए। चाहे कमजोरी हो, भाई बहन आपको क्षमा करेंगे, चाहे कोई गलती हो वो आपको क्षमा करेंगे, वो जानते हैं आप इंसान हैं। लेकिन यदि आप घमंडी हो, घमंड है तुझमें, कोई तुझे बचा नहीं सकता, क्योंकि तुमने मुट्ठी बंद कर दिया अपने में, मैं हूं, उससे तोड़फोड़ हो जाएगा। लोग सब कुछ सहन सकते हैं पुरोहित में, लेकिन जब एक पुरोहित घमंडी बन जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा, जैसे मैंने कहा, हमेशा जब आप वेदी के पास हैं, हाथ जोड़ के विनम्र दिल, घुटने टेक कर अपना प्यार करो, प्रार्थना करो, जैसे जॉन मेरी वियानी ने कहा, जब मैं सोता हूं मेरा दिल सोते समय कहता है, हे प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू डियर फादर अनिशा। उम्मीदवार से पूछताछ। अति मान्यवर धर्माध्यक्ष पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार उपयाजक अनिशांत से पूछताछ करेंगे कि वह पुरोहिताई में कठिन से कठिन कार्य करने की प्रतिज्ञा करने को तैयार हैं, और उनका उत्तर होगा, यह मेरा संकल्प है। प्रिय पुत्र पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्मदक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और क्रिस्तीय जनता के पवित्रकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिस्सा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्याएं तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति
से पूरा करने तथा प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं। यह मेरा संकल्प है, यह मेरा संकल्प है, ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा। उपयाजक अनिशांत अपने दोनों हाथों को अति मान्यवर धर्माध्यक्ष के हाथों में रखकर आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करेंगे। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आपसे ये शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वे उसे पूरा करें। प्रार्थना के लिए आमंत्रण। अभी अति मान्यवर धर्माध्यक्ष सबों को प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करेंगे। कृपया सभी खड़े हो जाएं। अभी दुआ करेंगे बेटा, आप बैठ सकते हो। थैंक यू बेटा। प्यारे भाई बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे अपने इस दास पर अपनी आशीष की कृपा बरसाए जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। संतों की स्तुति विनती। अभी संतों की स्तुति विनती गाई जाएगी। हम इस भाई के लिए विशेष प्रार्थना करें कि इन्हें उनके प्रेरित कार्य में ईश्वर का सान्निध्य एवं मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहे। ये भाई साष्टांग आराधना मुद्रा में दीनतापूर्वक प्रार्थना करेंगे। हम सब गुट्टे टेकेंगे और संतों की स्तुति माला गाएंगे। संत योहन बपतिस्मा दाता हमारे लिए
संत योसेफ यीशु पालक हमारे लिए विनती कर। प्रभु यीशु के शिष्य गणों हमारे लिए विनती कर। प्रेरित सेवक साक्षी गणों हमारे लिए संत पेत्रु संत पौलु हमारे लिए विनती कर। हे संत योहन संत थॉमस हमारे लिए विनती कर। हे संत स्टेफनुस विनती कर हमारे लिए। लॉरेंस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत एंटनी विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत बेनेडिक्ट विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत फ्रांसिस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत वियानी विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत तेरे सा विनती कर हमारे। तेरसिया विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत तेरसा विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे मेमना परमेश्वर का हम पर के पाप तू हर लेता हमारी विनती पूरी कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। हम तेरे इस दास के पवित्र आत्मा की आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपादान निरंतर बरसाने की कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कृपया सभी खड़े हो जाएं। सिर पर आतरक प्रार्थना की जाएगी। क्रिस्त के शिष्यों एवं अनुयायु ने जिन पर आतरक उन पर पवित्र आत्मा उतरा अब अति मान्यवर धर्माधीक्ष उपयाजक अनिशांत के सिर पर आत रखेंगे। मौन रखकर उन पर पवित्र आत्मा उतरने हेतु प्रार्थना करेंगे। इसके बाद उपस्थित पुरोहितगण भी ऐसा ही करेंगे।
क्रिस्त विश्वासियों ध्यान दीजिए कि ये विधि पुरोहित अभिषेक के सबसे महत्वपूर्ण धर्म विधि है। आप सब मौन रखकर उपयाजक अनिक शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। थोड़ा साइड में बेटा पीछे आ जाओ, पीछे बोलो भाई उनको। अस्त्रोपण की धर्म विधि अभी धर्माध्यक्ष अभिषेक की प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परम पावन पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर हमारी सहायता कर। तू अधिकारियों का स्रोत और पदों का विधायक है। तू संपूर्ण सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने प्रज्ञापूर्ण विधान के अनुसार मनुष्यों को निरंतर सर्वोत्तम वरदानों से विभूषित करता है। तूने यहूदियों की पूजा पद्धति के लिए याजकों तथा लेवियों के वर्गों को ठहराया। तूने जनता पर शासन करने के लिए महायाजकों को नियुक्त किया और उसके सहयोगियों के रूप में तूने याजकों तथा लेवियों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति को प्रदान किया जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर और सुगमता से असंख्य यहूदी जाति पर शासन कर सके। तूने हारून के समस्त पुरोहित अधिकार उनके पुत्रों को प्रदान किए जिससे हितकर बलिदानों तथा धार्मिक कृपाओं के अनुष्ठान के लिए पर्याप्त योग्य पुरोहित निरंतर प्रस्तुत रहे। इस तरह हे प्रभु तूने अपने पुत्र के प्रेरितों के लिए सहयोगियों
को नियुक्त किया जिनके सहायता से सुसमाचार की शिक्षा समस्त संसार में फैल गई। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमें भी इस प्रकार की सहायता को प्रदान कर। अधिक दुर्बल होने के कारण हमें इनकी अधिक आवश्यकता होती है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने इस दास को पुरोहित का पद प्रदान कर। इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे। तुझसे द्वितीय श्रेणी की पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण कर। ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये धर्मक्षीय पुरोहिताई के विश्वास सहयोगी बने जिससे सुसमाचार की शिक्षा पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुंच जाए और समस्त जातियों क्रिस्त में एक होकर ईश्वर के एक ही पवित्र प्रजा के रूप में बदल जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पवित्र मिसा के परिधान पहने की धर्म विधि, अस्तारोपण की धर्म विधि के बाद अब भाई अनिशांत को पवित्र मिसा में प्रयुक्त होने वाले परिधान पहन रहे हैं। ये है एक पुरोहित की पोशाक जिसे पवित्र यूक्रिस्ट चढ़ाने वक्त और अन्य संसार संस्कारों की धर्म विधि संपन्न करते समय पहनते हैं। आइए गीत मंडली के साथ पवित्र आत्मा का गीत गाएं। पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ आओ, तुम चांद से स्वर्ग के समान से आओ, तुम चांद से स्वर्ग के समान से, पढ़ दो हमारे दिल अपने प्राण से, पढ़ दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ आओ, तुम आत्मा बदलो जहान को आओ, तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ,
पवित्र तेल से विलेपन, अति मान्यवर धर्माध्यक्ष अभिषिक पुरोहित के आत्मों को पवित्र तेल से विलेपन करेंगे। किसी के शरीर पर या किसी अंग पर तेल विलेपन करने से उसे नवस्फूर्ति और नया बल मिलता है। नव अभिषिक पुरोहित के आत्मों को तेल से इसलिए मलाया जाता है जिससे प्रभु येसु ने उन्हें सुरक्षित रखें ताकि वह क्रिस्तीय राजा को पवित्र कर सकें तथा ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मत्य से अभ्यंजित किया है वही प्रभु येसु क्रिस्त आपकी सुरक्षित रखे, आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप क्रिस्त प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सके। पवित्र प्रजा का चढ़ावा, अति मान्यवर धर्माध्यक्ष तालिका पर रोटी और प्याला में दाखरस भरकर नव अभिषेक पुरोहित के हाथों में प्रदान करेंगे। इनके द्वारा फादर अनिशांत प्रत्येक दिन यूक्रिस्तीय बलिदान चढ़ाए करेंगे और अपने जीवन में यूक्रिस्तीय भक्ति सदा कायम रखेंगे। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा, जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त के क्रूस के समनरूप बना लीजिए। शांति का चुंबन, अति मान्यवर धर्माध्यक्ष फादर अनिशांत को प्रेम और शांति का चुंबन करेंगे और उपस्थित पुरोहित गण भी, जिसके द्वारा नव पुरोहित पुरोहित वर्ग में सम्मिलित करते हैं। प्रभु की शांति आपके साथ हो और आपके साथ हो। आइए हम भाई पुरोहित फादर अनिशांत को ताली बजाते हुए धन्यवाद और बधाई दें। हम सभी खुशी से यूक्रिस्तीय बलिदान को जारी रखते हुए चढ़ावा का गीत गाएं।
समर्पण 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 करूं तुझको तुझको आज मैं समर्पण करूं तुझसे मिलाए ये जीवन समर्पण नहीं है अपना प्यारों में तुझको कुछ भी नहीं है अपना प्यारों में तुझको टूटा फूटा जीवन मेरा टूटा फूटा जीवन तुझको आज मैं समर्पण करूं समर्पण 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 करूं तुझको तुझको आज मैं समर्पण करूं तुझसे मिलाए ये जीवन समर्पण 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 मुझे करो स्वीकार दाखलता से मुझे करो स्वीकार तेरी ही सृष्टि है हम सब तेरी ही सृष्टि है हम सब तुझको आज मैं समर्पण करूं समर्पण 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 करूं तुझको आज मैं समर्पण करूं तुझसे मिलाए ये जीवन समर्पण भी नहीं है अपना प्यारों में तुझको कुछ भी नहीं है अपना प्यारों में तुझको टूटा फूटा जीवन मेरा टूटा फूटा जीवन तुझको आज मैं समर्पण करूं समर्पण 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 करूं तुझको तुझको आज मैं समर्पण करूं तुझसे मिलाए ये जीवन समर्पण 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 करो तुझको समर्पण समर्पण समर्पण
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे परमेश्वर, तू चाहता है कि पुरोहितगण भक्ति से पूजा पाठ संपन्न करे और तेरी प्रजा की सेवा नम्रता पूर्वक करे। इस महान बलिदान के फलस्वरूप ये सेवक अपनी परिचार्य द्वारा तुझ से निरंतर प्रसन्न करे और कलीसिया के अविनाशी वस्तुओं से समृद्ध करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने पवित्र आत्मा से अभिषिक्त अपने इकलौते पुत्र को नवीन और अनंत व्यवस्थान का महायाजक नियुक्त किया है कि कलीसिया में उनकी एकमात्र पुरोहिताई निरंतर बनी रहे। क्रिस्त निजी प्रजा को राज्य के गौरव से स्वसूतित करे और साथ साथ मात्र प्रेम से ऐसी व्यक्तियों को चुन लेते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी द्वीय परिचार्य की बागी बन जाते हैं। क्रिस्त के नाम में ये मुक्ति का बलिदान संपन्न करे। तेरी संतान को पास्का बोझ से पोषित करे तथा अपने उदार आचरण से तेरी पवित्र प्रजा के पथ प्रदर्शक होते रहे। उसे उपदेश द्वारा सुरक्षित करे और संस्कारों से पुष्ट बना दे। ये क्रिस्त के सदृश भाई बहनों के उद्धार के लिए अपने प्राण न्योछावर करने से ना हिचके तथा अटल विश्वास और सच्चे प्रेम में तेरी साक्षी पाए जाए। इसलिए हम स्वर्गदूतों के साथ तेरा यश गान करते हुए निरंतर घोषित करते हैं। Sada, pak pak pak, varis te gan sa.
सदा वो तन है जो आंगा खुदा वंदे नाते 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 ओ परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु यीशु तू अपनी शरीर दे भोजन देना सानो मुक्ति गीता तू दुनिया दा है। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत
और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलेसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके वरसंत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद की सौभागी बना। हमें एक निरंतर प्रार्थना का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में एक शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, हमारे नए पुरोहित फादर अनीश चांद, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हो, अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिद्धार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इनी प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इनी के साथ और इनी में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना के साथ में हम परस्पर शांति अभिवादन करें। मानव को दया करो, हे जगत पाप हरो तो पिता को
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है, धन्य वे जो इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करें। रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु, यह मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद हैं। मैं आपको सभी चीज़ों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु रूहानी रूप से आप हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे स्वामी जी पावन रोटी को हमने तुझे अर्पित करके ग्रहण किया है। ये तेरे नव अभिषेक पुरोहित तथा इन भाई बहनों को नव स्फूर्ति प्रदान करें। हम सच्चे प्रेम से तुझसे सदा संयुक्त रहे और तेरी सेवा उदारता से कर सके। ये वर दे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाकर प्रार्थना कीजिए। ईश्वर ने कलीसिया में आपको मनुष्यों की सेवा के लिए चुन लिया है। वे सबके प्रति, विशेषकर पीड़ितों तथा दरिद्रों के प्रति आपको प्रेम से भर दे। आमीन। उसने आपको क्रिस्त का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है।
उसकी सहायता से आप ईश वचन के अनुसार आचरण करें तथा उसके विश्वस्त और साहसी साक्षी बने। उसने आपको अपने मुक्तिदायी संस्कारों के वितरक नियुक्त किया है। ईश्वर के अनुग्रह को आप प्रभु येसु का अनुकरण करें और दुनिया में एकता और शांति के समर्थक बन जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। पुरोहित अपने पवित्र आत्मों से प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को कृपया सभी बैठ जाएं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन ईश्वर में आनंद मनाती है। आइए इस माँ मरियम का गीत अपने मन में हृदय में संजोए रखते हुए नव बने पुरोहित फादर अनिशांत हमारे बीच में धन्यवाद का दो शब्द लेकर पधारे हैं। स्वागत करें तालियों से। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने दलितों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। लूक अध्याय 4 पद संख्या 18। माननीय धर्माध्यक्ष इग्नाशियस मास्करेनास जी, सभी पुरोहित भाइयों एवं उपस्थित भाई बहनों, सभी को जय येशु। सर्वप्रथम मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ। मैं अपने जन्मदाता माता पिता के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मम्मी पापा कोरोना वायरस के कारण आज यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के प्रार्थनामय जीवन, महान त्याग और अच्छी परवरिश एवं मार्गदर्शन के कारण ही मैं आज एक पुरोहित के रूप में इस पवित्र वेदी के सामने खड़ा हूँ। आदरणीय बिशप जी, मैं आपका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके सहयोग, प्यार एवं समर्थन द्वारा ही मेरे लिए आज का दिन महान, अत्यंत खुशी एवं आनंद का दिन है। बिशप जी धन्यवाद। मैं फादर रॉबर्ट, फादर डोमिनिक, फादर अम्ब्रोस को उनके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। फादर्स धन्यवाद। मैं सेंट जोसेफ माइनर सेमिनरी काउली, क्रिस्ट ज्योति गुरुकुल, होली ट्रिनिटी कॉलेज चौकटी जलंधर के सभी रेक्टर्स, वाइस रेक्टर्स एवं प्राध्यापक पुरोहितों का आभारी हूँ। उनके शिक्षा एवं मार्गदर्शन के फलस्वरूप ही 2007 से 2020 का सफर सफलतापूर्वक पूरा कर चुका हूँ। सभी रेक्टर्स, वाइस रेक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपनाया और मेरी जरूरत को पूरा किया है। साथ ही मैं सभी पुरोहित भाई को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे मदद किया है। सबों को धन्यवाद। मैं फादर फ्लेमिन को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे रीजेंसी काल में मार्गदर्शन,
प्यार एवं अपनापन दिया है। फादर जी आपको धन्यवाद। मैं फादर दीपक, फादर मधु बाबू, फादर मनोज बैग सिंह, फादर क्लेमेंट बैग सिंह, फादर देवराज, फादर संदीप का हृदय से आभारी हूँ। उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं डायग्नेट मिनिस्ट्री, क्रिसमस मिनिस्ट्री कालका में फादर अशोक मसीह की अध्यक्षता, अगुवाई एवं मार्गदर्शन के द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। लॉकडाउन के आबादी में उनका भरपूर प्यार एवं सहयोग मिला। मैं कृतज्ञता हृदय से धन्यवाद करता हूँ। फादर जी धन्यवाद। सिस्टर ज्योति, सिस्टर नालिनी एवं डीकन लक्ष्मीकांत, आपकी उपस्थिति ने मेरे खुशियों में चार चांद लगा दिए हैं। इस परिस्थिति में आप आए और मेरे माता पिता का कमी को पूरा किया। मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद सिस्टर्स। मैं सभी सहपाठियों एवं दोस्त को भी धन्यवाद अदा करता हूँ जिनका हमेशा मुझे साथ मिला है। मैं जगाधरी पारिश, संसारपुर पारिश, कालकापुर पारिश के सभी धर्म बहनों को उनके सहयोग एवं सभी विश्वासियों के प्रार्थना एवं प्यार के लिए धन्यवाद देता हूँ। फादर केजुस, इस पारिश के पल्ली पुरोहित एवं सेक्रेट हार्ट सिस्टर्स को आज के समारोह एवं पुरोहित एवं पूजन पद्धति को भक्तिमय बनाने के लिए, सुंदर वेदी सजावट के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। फादर जी धन्यवाद। मैं फादर वियानी, आज के कार्यक्रम के एमसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज के कार्यक्रम को अच्छी तरह संभाला है और मेरे रिट्रीट के लिए अरेंजमेंट किया और मुझे मेरा ऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छी तरह तैयारी किया है। मैं पूरे दिल से फादर को धन्यवाद देता हूँ। फादर जी धन्यवाद। मैं फादर रेक्शन को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत परिश्रम करके आज की जो हिमशीट और प्रिस्टली ऑर्डिनेशन बुकलेट बनाया और आज कैमरामैन बन के यहाँ उपस्थित है। मैं फादर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फादर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फादर रेमन को और उसके टीम मेंबर्स को उनके सहयोग एवं सेवा के लिए धन्यवाद देता हूँ। फादर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के गायक मंडली ने फादर मनोज जी के अगुवाई में मधुर गीतों द्वारा समारोह को अत्यंत भक्तिमय बना दिया है। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। फादर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फादर अशोक को जिन्होंने आज का लंगर बनाने में सहयोग दे रहे हैं और जो भी लंगर बना रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज के ऑल्टर सर्वर्स को भी जो बहुत अच्छी तरह से सेवा की हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सेनेकल सिस्टर्स लोग के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो सेवा इस पारिश में कर रहे हैं। सिस्टर्स लोग आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना किए हैं। सभी को धन्यवाद। जय यीशु। अभी धर्म प्रांत की ओर से अति मान्यवर धर्माध्यक्ष गोरिया में दो तीन शब्द कहकर सम्मानित करेंगे। उसके बाद धर्माध्यक्ष के द्वारा फादर विकेट जनरल, फादर केजूस, फादर अम्ब्रोस, फादर चांसलर के साथ सम्मानित करेंगे।
अजी मो विशेष करो। धन्यवाद देव को चाहे श्रीमान बेंजामिन एवं श्रीमती कृष्णानंद सिंह को करुणो सेमाने तंग करो। सुपुत्र अनिशांत को प्रभुवर सर्वो करच्चे निमत्ते समर्पण करी जंती। धन्यवाद। जय जेसु। धर्म प्रांत की ओर से शॉल पहनाते हुए गुलदस्ता देते हुए बधाई दें, ताली बजाएं। अभी परिवार की ओर से प्रीस्टहुड, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग अ बिलवेड सन माय ब्रदर एज ए हम्बल सर्वेंट। वंस अगेन विथ ग्रेट जॉय आई एक्सटेंड माय थैंकफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड एंड एश्योर यू आवर प्रेयर्स for you, my lordship, and for your diocese. My sincere thanks to all the reverend rectors, spiritual directors, formators, all the professors who have taken care of my brother. You have imparted valuable knowledge and wisdom of the kingdom of God to him. In all his ups and downs, you were kind and generous enough in giving time to him, listening to him, consoling and comforting to him. In all these years of his formation, you have instilled in him the values of the Holy Scripture. As a result, today he is reached to this stage. Once again, with folded hand, I thanks to one and all. Thank you. नव बने पुरोहित फादर अनिशांत के परिवार की ओर से बिशप स्वामी को सम्मानित करते हुए ओरिसा से उनके माता पिता की ओर से जो दो शब्द लाइव हो रहे। धन्यवाद हम कहते प्रभु को जिसने दिए हैं सब वरदान, वही हमारा पालनहार, उसको धन्य कहे हर बार। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रभु का है ये शुभ दिन, खुशी मनाए हम सब। प्रभु का है ये शुभ दिन, खुशी मनाए हम सब। जाकर हम मुक्ति
संदेश सुनाए हो जाए प्रभु में तन में। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। जीवन मिला है तुझसे प्रभु तेरी कृपा से हमको, जीवन मिला है तुझसे प्रभु तेरी कृपा से हमको, तेरी कृपा को पाकर हम प्रभु तेरे आभारी होते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद